हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जिसकी टंग का कलर ब्लू ब्लैक होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड यूनिक लगता है। वेल, अब तक तो आप समझ भी गए होंगे कि हम किस ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चौचौ डॉग ब्रीड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे की इस वीडियो को। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चौचौ डॉग ब्रीड पुरानी डॉग्स के नस्लों में से एक सबसे पुरानी नस्ल है, और इनका जेनेटिक टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि आज के वक्त के चौचौ डॉग्स के एंसेस्टर्स एंशियंट टाइम में नॉर्थन चाइना में पाए जाते थे, और वक्त के साथ साथ चौचौ डॉग्स नोमैडिक ट्राइब्स के साथ मंगोलिया भी पहुँचे। चौचौ ब्रीड इतनी पुरानी नस्ल है कि इनका जिक्र 206 BC से 22 AD में हैन डायनेस्टी के पोटरी यानी मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग्स में भी है। माना जाता है कि एक चाइनीज शासक के पास 5000 से भी ज़्यादा चौचौ डॉग्स थे, जिनका इस्तेमाल वो एज अ हंटिंग डॉग किया करता था, और हंटिंग डॉग के अलावा भी चौचौ का यूज़ एज अ गार्ड डॉग में भी किया जाता था। और चौचौ का एक बुरा साइड भी है गाइस। जैसे हम सब जानते हैं कि ये चिंकी चाइनीज हर किस्म के जानवर को खा जाते हैं, तो वो चौचौ डॉग के मांस को भी खा जाते थे, और चौचौ के मांस को स्वादिष्ट बोलते थे, और इनके फर का वो कोट बनाकर पहनते थे। मतलब हद करते ये हक्का नूडल्स वाले चाइनीज ये सब खा जाते, फिर चाहे चमगादड़ हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, और इनके ही वजह से कोरोना भी आया था। और इनकी इसी यही डिस्कस्टिंग बिहेवियर के वजह से पूरी दुनिया भर में महामारी आई थी, जिससे हर देश में लाखों में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वेल, चाइना में चौचौ डॉग को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लैक टंग डॉग, ही शीतव, वुल्फ डॉग, लॉन्गाओ, पियर डॉग, हियांगाओ, कैंटन डॉग, क्वांगडोंगाओ। पता नहीं कैसे कैसे नाम है गाइस, मुझसे तो चाइनीज में बोले भी नहीं जा रहे। लेकिन चौचौ नाम आने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 18th century के अंतिम दौर में जब ब्रिटिश मर्चेंट्स ने अपने पानी के जहाज में जब उन्होंने बिजनेस माल के साथ इन भालू जैसे दिखने वाले डॉग्स को भी रखा, तो उन स्टॉक्स के साथ इनका नाम जिक्र करने के लिए उन्होंने एटसेट्रा की जगह चौचौ कहा, और इस ब्रीड का नाम तब से ही चौचौ के नाम से जाने जाने लगा। 1781 में ब्रिटिश बुक जिसका नाम नेचुरल हिस्ट्री एंड एंटीक्विटीज ऑफ सेल्बर्न है, उस किताब को गिल्बर्ट वाइट द्वारा लिखा गया था। उन्होंने अपने पड़ोसी द्वारा चाइना से लाए गए यही चौचौ ब्रीड के बारे में अपनी बुक में काफ़ी बारी जिक्र किया, और फ्रेंचाइजर्स का अब कहना है कि गिल्बर्ट वाइट द्वारा लिखी गई उस किताब में उस वक्त से इस 200 सालों के बीच में चौचौ ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल तौर पर चेंजेस आए हैं। बट चौचौ की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया ने इस ब्रीड को अपने पास रखा, जिसे चौचौ की पॉपुलैरिटी को बूस्ट अप मिला, और सबसे पहली चौचौ डॉग जिसने अमेरिकन डॉग शो में 1890 के वेस्टमिंस्टर कैनल में पार्टिसिपेट किया, उसका नाम टाकिया था, और 1903 में चौचौ AKC यानी अमेरिकन कैनल क्लब में फर्स्ट डॉग यान हाउ के नाम से रजिस्टर्ड किया गया था। 1920 तक चौचौ डॉग सिर्फ अमीर घरानों में रहा करते थे। इवन चौचौ प्रेसिडेंट कैल्विन कुलिच और उनकी वाइफ के साथ व्हाइट हाउस में भी रहा है, और काफ़ी सारे टीवी शोज में भी चौचौ डॉग ने काम किया है। विद फैमिली एंड किड्स, चौचौ डॉग एक बेस्ट फैमिली डॉग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा लवेबल, स्वीट एंड काम डॉग होते हैं। ये घर के फैमिली मेम्बर्स लाइक किड्स एंड ओल्ड मेम्बर्स के साथ काफ़ी पोलाइटली बिहेव करते हैं। बट चौचौ डॉग्स काफ़ी यंग किड्स के साथ, मतलब जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, कि वो बच्चे इनकी पूंछ खींचते हैं और इनको सोते हुए परेशान करते हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आपके पास आपके घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और आप एक चौचौ डॉग को रखना चाहते हैं, तो चौचौ डॉग को और बच्चों को पपी टाइम से ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सिखाएं। लिविंग विद चौचौ। चौचौ डॉग को रखने के लिए इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको हफ्ते में 3 बारी तो सिर्फ ग्रूमिंग की ही ज़रूरत होती है, और इनके फर को अच्छा और स्मूथ रखने के लिए और इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इनको गुड क्वालिटी वाला फूड देना होता है। और याद रखें कि चौचौ को खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसे वो बहुत जल्दी ही वेट गेन कर लेते हैं, और ओवरवेट से काफ़ी तरीके की परेशानियों का और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और ये अकेले भी घर पर काफ़ी देर तक रह सकते हैं। इसलिए घर पर इनके साथ किसी का हर पारी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कडल करने वाले डॉग सिर्फ दिखते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं ऐसे। ये शांत और अकेला ही रहना पसंद करते हैं। अडेप्टेबिलिटी। चौचौ डॉग के पास डबल कोट होता है। जो अपर कोट होता है वो रफ एंड थिक होता है, और जो अंडर कोट होता है वो सॉफ्ट एंड वूली होता है। इसलिए ये विंटर में तो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, बट एक्सट्रीमली हॉट वेदर में इनके लिए रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है,
और चौचौ को आप स्मॉल हाउसेस, लार्ज हाउसेस, अपार्टमेंट्स में कहीं पर भी रख सकते हैं, बस इनको रेगुलर डेली बेसिस पर वॉक पर लेकर जाइए। इनके लिए एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ सिंपल वॉक इनके लिए इनफ है। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। चौचौ डॉग इजली हाउस ट्रेंड हो जाते हैं, बट ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, इसलिए कभी कभी कमांड्स को नहीं मानते हैं। इन्हें बचपन से ही बेसिक ऑबिडेंस की ट्रेनिंग ज़रूर दे, और ये फैमिली के साथ जितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं उतने स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं होते हैं, स्पेशली दूसरे डॉग्स के साथ, इसलिए बचपन से ही इनको सोशलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि पपी टाइम से ही आप इनको नए नए लोगों के साथ मिलाएं और दूसरे डॉग्स के साथ भी मिलाएं, जिससे एडल्ट हो जाने पर एक वेल ट्रेंड चौचौ डॉग बन सके। गार्ड डॉग। चौचौ डॉग को एंशियंट टाइम में काफ़ी लंबे वक्त तक एज अ हंटिंग डॉग एंड गार्ड डॉग यूज़ किया जाता रहा है, इसलिए अगर आप एक चौचौ डॉग रखना चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए तो चौचौ को आप चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने चौचौ डॉग को पपी टाइम से ही अटैक करने की ट्रेनिंग को भी दें। हाइट, वेट एंड लाइफ स्पैन। चौचौ मेल की हाइट 17-20 इंचज तक होती है, फीमेल की हाइट 15-18 इंचज तक होती है। चौचौ मेल का वेट 25-35 केजीज तक होता है, फीमेल का वेट 22-33 केजीज तक का होता है। इनका लाइफ स्पैन 11-15 ईयर्स तक का होता है। कलर्स। चौचौ आपको काफ़ी सारे कलर्स में मिल जाएगा, जैसे रेड कलर लाइट टू डीप शेड में, सिनेमन कलर लाइट फॉन टू डीप शेड में, ब्लैक, ब्लू एंड क्रीम कलर। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो चौचौ डॉग ब्रीड के ऊपर। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में चौचौ डॉग के बारे में काफ़ी डीपली में और अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।